नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट एवं ब्लॉक लेवल के लिए एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशंस जारी की गई है। दोस्तों, रिसेंटली में जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जो है प्रकाशित हुई है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में यहाँ पे जो है नियुक्ति की जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है टोटल देख पा रहे हो कि 34 सीटों के लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशंस जारी की गई है, जिसमें कि ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट है, कंप्यूटर सहायक की पोस्ट है, लेखा सहायक की पोस्ट है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की पोस्ट है, सहायक अभियंता की पोस्ट है। तो इन सभी में यहाँ पे जो है नियुक्ति की जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकाली गई है, उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय गुमला डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट जारी हुई है, जिसमें कि जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की पोस्ट है, इसमें टोटल यहाँ पे जो है एक सीट है। जो टेक्निकल सहायक की पोस्ट है, इसमें जो है टोटल यहाँ पे दो सीट है। एंड टेक्निकल सहायक में जो है कनीय अभियंता की जो पोस्ट है, इसमें भी टोटल यहाँ पे जो है पाँच सीटें हैं। लेखा सहायक की पोस्ट है, इसमें टोटल यहाँ पे जो है तीन सीट है। कंप्यूटर सहायक की पोस्ट है, इसमें जो है टोटल यहाँ पे पाँच सीटें हैं। एंड जो ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट है, इसमें टोटल यहाँ पे जो है 18 सीटें हैं। तो टोटल यहाँ पे जो है 34 सीटों के लिए यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशंस जारी की गई है। दोस्तों, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए जो आपकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ का होनी चाहिए। तो अगर आप प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की पोस्ट के लिए आवेदन देते हैं, तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए जो आपकी अनिवार्य योग्यता यहाँ पे रखी गई। तो अगर आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से जो है किसी भी संकाय एवं विषय में जो है स्नातक की डिग्री किए होंगे, मिनिमम जो है 55% अंकों के साथ अगर आप उत्तीर्ण हुए होंगे, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड वैसे कैंडिडेट जिनका जो है 55% से कम अगर आपका परसेंट होगा, एंड वैसे कैंडिडेट जो लोग स्नातकोत्तर यहाँ पे उत्तीर्ण किए होंगे, तो आप बिल्कुल जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका अतिरिक्त योग्यता जो है आपको यहाँ पे ली जा रही है, लाइक यहाँ पे MBA किए होंगे, PG DBA किए होंगे, PG DBM या फिर PG DRD, BCA, BSc कंप्यूटर, BSc कंप्यूटर ऑनर्स तथा MCA, इनमें से कोई भी अगर आपकी अतिरिक्त योग्यता होगी, तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे जो टेक्निकल सहायक जो कि सहायक अभियंता की पोस्ट है, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशंस रखी गई है, तो अगर आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान जो है सिविल संकाय में अगर आप BTech या फिर BE कर रखे होंगे, तो आप टेक्निकल जो सहायक अभियंता की पोस्ट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अतिरिक्त योग्यता भी आपकी होनी चाहिए, सिविल संकाय में आपका MTech किए होंगे या फिर PGDCA, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, ये सभी में अगर आपके पास कोई भी अतिरिक्त योग्यता होगी, तो आप बिल्कुल सहायक अभियंता की पोस्ट के लिए जो है आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका कनीय अभियंता की पोस्ट है, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए जो आपकी अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए, तो इस सेम आपका जो है सिविल संकाय में अगर आप डिप्लोमा किए होंगे या फिर उच्चतर योग्यता, जैसे कि अगर आप BE BTech भी कर रखे होंगे, तो भी जो है इसमें आवेदन दे सकते हैं। सेम आपका अतिरिक्त योग्यता सेम आपका रखी गई है, ये सभी में अगर आपके पास कोई भी होगा, तो आप कनीय अभियंता की पोस्ट के लिए जो है आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका लेखा सहायक की पोस्ट है। दोस्तों, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए जो आपकी अनिवार्य योग्यता यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप जो है BCom कर रखे होंगे, 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए होंगे, तो आप बिल्कुल जो है इसमें आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन से यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता ली जा रही है, अगर आप MSc कंप्यूटर साइंस से BCA किए होंगे, MCA किए होंगे या फिर जो है MSc कंप्यूटर से किए होंगे, ये सारे जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जो है रखी गई है। दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर सहायक की पोस्ट है, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए जो आपकी अनिवार्य योग्यता यहाँ पे जो है ली जा रही है, तो अगर आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से जो है BSc कंप्यूटर ऑनर्स या BSc कंप्यूटर सामान्य या फिर जो है BCA या फिर सामान्य स्नातक और उत्तीर्णता के साथ जो है PG DCA अगर आप उत्तीर्ण हुए होंगे, तो आप बिल्कुल कंप्यूटर सहायक की पोस्ट के लिए जो है आवेदन दे सकते हैं। साथ में आपका जो है अतिरिक्त योग्यता भी आपके यहाँ पर जो है ली जा रही है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास अतिरिक्त योग्यता होगी, तो आप बिल्कुल जो है आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट है, इसमें जो कैंडिडेट आवेदन देना चाहते हैं, तो उनको आवेदन देने के लिए जो आपकी अनिवार्य योग्यता यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, तो किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से जो है इंटरमीडिएट होनी चाहिए या फिर जो है मैट्रिक के पश्चात किसी भी ट्रेड में जो है ITI होनी चाहिए या फिर मैट्रिक के पश्चात जो है ITI की स्थिति में जो है ITI के जो भी प्राप्तांक होंगे उनके परसेंट से जो है आपका इंटरमीडिएट प्रतिशत आपका यहाँ पे जो है प्राप्तांक आपको यहाँ पे समतुल समझा जाएगा। तो यानी कि अगर आप ITI किए होंगे, इंटरमीडिएट मैट्रिक के बाद अगर ये सब किए होंगे, तो इसमें आवेदन दे सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता जो है आपका यहाँ पे
किसी भी सब्जेक्ट में जो है स्नातक या फिर सामान्य स्नातक बीसीए या फिर जो है किसी भी बीसीए में स्नातकोत्तर पीजी डीसीए पीजी डीबीए पीजी डीआरडी ये सभी में अगर आप कर रखे होंगे अतिरिक्त योग्यता होगी तो आप जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों एज की क्राइटेरिया जो यहाँ पे रखी गई है तो आप किसी भी पोस्ट में आवेदन देना चाहते हैं तो उम्र सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है। अधिकतम अनारक्षित के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 35 वर्ष रखी गई है। NEWS के लिए 35 वर्ष रखी गई है। महिला जो कि यहाँ पे अनारक्षित होंगे उन सभी के लिए 38 ईयर्स। अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के मेल फीमेल होंगे उन सभी के लिए जो है 40 वर्ष यहाँ पे जो है अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे जो है रखी गई है। एंड साथ में रिलैक्सेशंस भी आपको यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आवेदक भारत का नागरिक होगा तो ही जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। एंड जो आपका यहाँ पे परिलिप्ति यानी कि जो आपका इम्प्लॉयमेंट्स आपका दी जा रही है जो कि पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो अगर आप प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की पोस्ट में यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनको 23,140 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे जो है परिलब्धि दी जा रही है। टेक्निकल सहायक में जो लोग सहायक अभियंता की पोस्ट में सिलेक्ट होंगे उनको 22,000 आपका प्रतिमाह यहाँ पे परिलब्धि दी जा रही है। एंड जो लोग कनीय अभियंता की पोस्ट में सिलेक्ट होंगे उनको जो है 19,000 प्रतिमाह यहाँ पे जो है दी जाएगी। लेखापाल या फिर जो है कंप्यूटर सहायक की पोस्ट में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको 14,300 रुपये आपको प्रतिमाह प्रतिलब्धि यहाँ पे जो है दी जा रही है। एंड जो लोग ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट में सिलेक्ट होंगे उनको 11,000 जो है प्रतिमाह वेतन यहाँ पे जो है दिया जाएगा। तो इससे आपको अच्छी वेतनमान यहाँ पे जो है दी जा रही है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल जो है इसमें आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट जो है पूरी आपका संविदा के आधार पर जो है आपको रखी जाएगी। जैसे जैसे आपको यहाँ पे जो है वर्क में संतोषप्रद यहाँ पे पाई जाती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको एक्सटेंड करती जाएगी। तो ये आपका अच्छी जॉब है, बिल्कुल इसमें अप्लाई करें अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो। ठीक है दोस्तों, आपको जो सिलेक्शन का प्रोसेस है आपका यहाँ पे मेगा सूची के अनुसार जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट की जाएगी। ठीक है, ये इसका जो है आप देख पाओगे कि तैयार मेगा सूची के प्रकाशन के एक माह के अंदर जो है अभ्यर्थी त्रुटि अगर किसी प्रकार की अगर आपकी त्रुटि हो जाती है सिलेक्शन मेगा सूची जब तैयार करती है उसके बाद, तो ये इसका एड्रेस दी गई है। इसमें जो है भी आपको यहाँ पे त्रुटि होती है आप इसमें जो है आकर यहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करनी होगी तो यहाँ पे देख पाओ कि जो अप्लाई का प्रोसेस आपको यहाँ पे दी गई है जो कि ऑफलाइन मोड पे जो है आपको इस फॉर्म को आवेदन देना होगा स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक के माध्यम से। जो एड्रेस दी गई है उपायुक्त सर जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मंडेगा कोसंग विकास भवन गुमला, इसमें जो है निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 11 नवंबर 2023 अपराह्न 5 बजे से पहले जो है आपको यहां पे भेजनी होगी। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज प्रमाण पत्र यहां पे मांगी गई है, जैसे कि सबसे पहले जो आपका 2 रंगीन फोटो आपको देनी होगी एंड जो आपका मांगी गई है जो निर्गत अनिवार्य योग्यता मांगी गई है उसका प्रमाण पत्र का छाया प्रति, अतिरिक्त जो भी योग्यता मांगी गई है उसका प्रमाण पत्र का छाया प्रति ये सभी आपको देनी होगी। अगर आप दिव्यांग होंगे तो उसका प्रमाण पत्र आपको देनी होगी। एक से अधिक पदों के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो आपको हर एक पद के लिए जो है अलग अलग आवेदन भी आपको संकलन करने होंगे। साथ ही बंद लिफाफा के ऊपर जो है साफ अक्षरों में पद का नाम भी आपको यहाँ पे अंकित करना होगा। तो ये सारी जो है आपको यहाँ पे कंडीशंस रखी गई है, इस प्रकार से जो है आपको फॉर्म को भरनी होगी। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा जो है आवेदन पत्र पर अगर आप गलत सूचना यहाँ पे देते हैं या फिर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन किसी भी समय जो है आपको रद्द भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये इसका जो है एप्लीकेशंस का फॉर्म है, सबसे पहले जो है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। देन जितने भी सारे यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है इन सारे डिटेल्स को आपको अच्छी तरह से जो है फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जो ऊपर में एड्रेस आपको यहाँ पे बतलाई थी उस एड्रेस में जो है आपको किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक के माध्यम से जो है आपको भेजनी होगी। 11 नवंबर से पहले जो है आपको भेज करके जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों, बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशंस आप सभी से शेयर करनी थी। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने साथ अपने जरूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें।